दुआ की है, अल्लाह मुझे जालिम कौम से निजात अता फरमा। ये सूरह कसस की चंद आयात हैं जिनकी तिलावत की गई है। आयत नंबर 18, 19, 20 और 21। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वो वाक़या है कि जब आपको मिस्र से निकलना पड़ा था, जब आपकी उम्र उस वक्त 30 साल के करीब थी। कल के दरस में आपने सुना था कि एक फिरौनी बनी इसराइल के एक शख्स पर जुल्म कर रहा था, तो आपको गुस्सा आया और आपने उसे घोंसा मारा और उसी से उसका काम तमाम हो गया। तो किसी को पता ना चला कि किसने मारा है। और मूसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखना, दिलचस्पी लेना, उनका साथी बनना, उनकी हमायत करना, ये चीज़ें फिरौनियों को बहुत खटक रही थी कि ये हम में से, वो समझते थे कि ये फिरौन का बेटा है मूसा अलैहिस्सलाम को, तो ये हमारा आदमी होकर बनी इसराइल की इतनी हमायत करता है, बहुत ज़्यादा इनका साथ देता है, तो उनके अंदर आपके बारे में खलबली थी और एक गुस्सा अंदर ही अंदर उनके पक रहा था। तो उस दिन तो पता ना चला किसी को कि वो फिरौनी बंदा किसने मारा है, लेकिन आखिर एक आदमी मारा गया था, उसके रिश्तेदार थे, उसका खानदान था, फिर वो सरकारी आदमी था, फिरौन का बावर्ची था, तो इसलिए शोर मचा हुआ था कि ये कल आदमी कैसे मारा गया, किसने मारा। तो अगले दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब शहर में निकले तो डर रहे थे कि मेरे उस मामले का किसी को पता तो नहीं चलता है। तो क्या देखा कि वो आदमी जिसकी हमायत में आपने एक आदमी को घोंसा मारा था, वो आदमी एक और शख्स से लड़ रहा है, अब फिर लड़ रहा है एक आदमी से। तो और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखकर फिर मदद के लिए पुकारा। तो अल्लाह फरमाता है कि वो आदमी कल जिसकी आपने मदद की थी फिर आपको पुकारता है मदद के लिए। तो मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि भाई एक बंदा मारा गया मेरे हाथ से और आज ये फिर चाहता है कि कोई ऐसा काम और हो जी और मेरे लिए मजीद को मुश्किल बने। फरमाया इन्नका लगवी मुबीन, तो बड़ा गुमराह आदमी है, मतलब है कि झगड़ालू इंसान है, बस तो झगड़ता ही झगड़ता है। आपने उसे ये कहा, ये कहने के बाद फिर आपने उस आदमी को पकड़ना चाहा कि जो इन दोनों का दुश्मन था, यानी फिरौनी, कि फिर किसी फिरौनी से उसका झगड़ा था, आपने उस फिरौनी को पकड़ना चाहा कि भाई क्या माजरा है। तो ये शख्स जिसने देखा हुआ था कि इनके मुके का क्या हाल है, आपने उसे कहा था इनका लगा भी क्यों मुबीन कि तू बड़ा खुला गुमराह आदमी है, इस लफ्ज से वो डर गया और उसने कहा कि इन्होंने, ये हो सकता है कि मुझे कुछ कहेंगे। आपने उस आदमी को पकड़ना चाहा कि जो इन दोनों का दुश्मन है, तो ये बोला, कहने लगा अतुरीद अंतुलनी कमा कतलत नफ्स बिलमसी, के क्या तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो जैसे तुमने कल एक आदमी मार दिया था। इन तुरीद तकून जब्बार फिलहाल, तुम तो जमीन में जब्बार बनना चाहते हो, सख्त गिर बनना चाहते हो, तुम मुसले नहीं बनना चाहते हो। तो इसने बांडा फोड़ दिया, यानी पहले भी पता चला था मगर आज इसने बोलकर कह दिया कि भाई जिस तरह कल एक आदमी तुमने मार दिया था, तुम मुझे भी मारना चाहते हो। तो वो फिरौनी को पता चल गया, इसका मतलब ये है कि कल जो आदमी मरा था वो मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। तो अब बात जो है वो फिरौन तक और फिरौन के सारे साथियों तक पहुंच गई कि हमारा आदमी मूसा ने मारा है। तो आपके बारे में पहले ही जज्बात उनके बरंगेख्ता थे, इससे और ज्यादा उनको तैश आया, तो उनकी आपस में मीटिंग होने लगी कि क्या करना चाहिए। तो फिरौन का एक चचाजात भाई था, हिस्की उसका नाम आता है किताबों के अंदर, और उसे मोमिन आले फिरौन कहा जाता है। 24वें पारे में सूरह मोमिन, उसका नाम ही सूरह मोमिन है और उसी शख्स के नाम पर उसका उस सूरत का नाम रखा गया है, सूरह मोमिन। وقال رجل من آل فرعون يكتم ايمانه, एक आदमी बोला आल फिरौन में से जो अपना ईमान छुपाता था, वो आदमी उसने
आकर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, उसने बाद में जब आप नबी बने और फिर आपके कत्ल का मशवरा बना था तो उस वक्त भी उसने आपकी हमायत में बात की थी। और यहां भी वो आदमी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि एक आदमी आया मदी शहर के परले किनारे से भागता हुआ, ये वही था हिजकी जो फिरौन का चचाजात था और मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखता था। उसने आकर कहा कि या मूसा इन्नल मलाइक तमिरु नबी का, जो कौम के सरदार हैं वो इकट्ठे होकर बैठे हैं मशवरा कर रहे हैं लियक्तुलू करके तुझे कत्ल करें, फखरुज इन्नी लका मिनन नासिरीन, तो मैं तुझे कहने के लिए आया हूं कि जल्दी जल्दी दौड़ जाओ यहां से कि मैं तेरा खैरखा हूं, अगर तुम यहां रहे तो तुम्हारी जान को खतरा है कि तुम्हारे कत्ल का मशवरा हो रहा है। तो फखर जमिनहा खौफ ये तरक अबू मूसा अलैहिस्सलाम फिर यहां से निकले, खौफ ज़दा थे और आपको डर था कि आप पकड़े जाएंगे कि तरक अबू, यानी आपको इंतजार था कि कहीं कोई आपको पकड़े नहीं। तो इस हालत में आप यहां से निकले और दुआ की, रब नजनी मिनल कौम अज़्ज़ालिमीन, या अल्लाह मुझे ज़ालिम कौम से निजात दे, मैं इनके काबू में ना आऊं। तो आपको अल्लाह ताला ने फिर वहां से बाहिफाजत निकलने का मौका दिया और आप मिस्र से निकले और एक लंबा सफर किया आपने और मदीन चले गए और वहां शुएब अलैहिस्सलाम के पास जाकर आपने पनाह ली। और वो वाकया फिर इंशाल्लाह कल आ रहा है कि जब आप मदीन पहुंचे तो वहां आपकी शुएब अलैहिस्सलाम के साथ कैसे मुलाकात हुई। तो यहां तक ये मैंने सारा सफर किया है, मैं मिस्र से निकला और हम गए थे कोहे तूर पर चढ़ने के लिए, तो लंबा सफर था, सुबह हम गाड़ी पर बैठे थे और असर के करीब हमारी गाड़ी वहां पहुंची थी कोच, और अभी मदीन बहुत दूर था आगे, काफी दूर था। तो ये तकरीबन कोई 1500 कमोबेश इतना सफर है किलोमीटर का मिस्र से मदीन तक जी, और दरमियान में समंदर भी पड़ता है एक। तो आप वहां कल की दरस में आएगा कि जब आप वहां पहुंचे तो पैरों में छाले पड़ गए थे और जैसे जैसे मौका हुआ कि कोई सवारी मिली या पैदल चले, जैसे भी आप मुश्किलात से गुजरते हुए मदीन तक चले गए। और यदि कुजा हो कि शाही महल में रहते थे और शाहाना जिंदगी गुजारी थी, और कुजा ये है कि आज बिल्कुल अपनी जान बचाने के लिए सफर कर रहे हैं और बड़ी मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बहरहाल आपने मदीन शहर पहुंचकर फिर दम लिया, वो कल इंशाल्लाह मैं बयान करूंगा। ये वाकया यहां से एक बात अल्लाह ताला ने हमें एक नसीहत अता फरमाई है कि देखो मूसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए वो आदमी आया कि जो था आले फिरौन में से, फिरौन के फिरौन की कौम में से, मगर वो मूसा अलैहिस्सलाम की आकर मदद कर रहा है और आपको कह रहा है कि आप यहां से जल्दी निकल जाएं कि आपकी जान को खतरा है। मतलब ये है कि जो आदमी हक पर है उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कबीले में से ना हो, खानदान में से ना हो जी, मदद करनी चाहिए किसी भी बेगुनाह की, कि जो बेगुनाह नहीं है उसकी मदद करो, चाहे वो किसी भी खानदान से ताल्लुक रखता हो। और यही वो चीज़ है जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अद्दीन व नसीहा, दीन खैरख्वाही का नाम है। और एक आपका इरशाद है कि जब तक बंदा अपने भाई की मदद में होता है तब तक अल्लाह उसकी मदद में होता है। तो इसमें हमारे लिए एक बड़ी नसीहत है, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى